बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जब आप ये सोचोगे ना कि आप ये चीज़ कर सकते हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल यार, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस दिन कामयाब हो जाओगे। मुझसे लिख के ले लो। हमारी यूथ का मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिमाग अता किया है, ठीक है, हमारे पास टैलेंट भी है, ठीक है, बस हमारा विजन क्लियर नहीं है। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू क्लियर आवर विजन। हमें अपना एक विजन सेट करना है, उस विजन के लिए हमें अपना एक मिशन बनाना है, उस मिशन को अचीव करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं। जब आप ये सोचोगे ना कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, उसको डिवाइड कर दो माइलस्टोन्स के अंदर, ठीक है, ये पहला स्टेप है, इसमें मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, तो यकीन जानिए आप हर चीज़ अचीव कर लोगे। मैं ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ऐसे बेशुमार दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ, जिसे कहते हैं ना, एक डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने कहा यार हमने ये चीज़ हासिल करनी है, और उन्होंने हासिल की है। आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई थी और मैं बड़ी खुश हुआ हूँ यार उनकी उस अचीवमेंट को देख के। मैं सच में बहुत खुश हूँ, और इतना वो अच्छा बंदा है, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है, इतना हम्बल बंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा किसी उनके साथ कोई इंटरव्यू वगैरह हो, ताकि आप लोगों को बताएं कि भाई आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सिर्फ आपके दिमाग में होता है यहाँ पे। और जब आप कहते हो यार हाय अल्लाह लोग क्या कहेंगे, यार प्लीज़ लोगों की परवाह करना बंद कर दो। याद रखो, दो कान दिए हैं, अच्छी चीज़ सुनो, दिमाग में डालो, अगर बुरी चीज़ सुनी है तो इस कान से एग्जिट कर दो, ठीक है। और प्लीज़ लोगों की परवाह मत करो, लोगों का काम है बोलना। आप पैदा होते हो वो तब बोलते हैं, आपकी शादी होती है आप तब बोलते हो, कुछ अचीव करते हो वो तब बोलते हो, मर जाते हो तब बोलते हैं। तो इसका क्रक्स क्या है, लोग बोलते रहते हैं, तो लोगों की परवाह मत करो। हाँ, किसी का दिल मत दुखाई, लेकिन कोशिश कीजिए कि जैसे कहते हैं ना, अपना एक विजन बनाइए, माइलस्टोन सेट कीजिए, अपने गोल्स बनाइए, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगले 5 साल की प्लानिंग करें, वैसे तो अगर आप अगले 5 साल की प्लानिंग करते हैं और फिर उस हिसाब से अपना एक जो विजन सेट करते हैं, आप डेफिनेटली कामयाब होते हैं। लेकिन हमारा मसला है कि हम में जो है ना पेशेंस नहीं है, सब्र तो नाम की चीज़ है ही नहीं, लाइन में हम नहीं लग सकते, क्यू में हम नहीं लग सकते, और वक्त हम अपना बर्बाद करें। तो अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, और दिमाग में डालिए कि आप ये कर सकते हैं। यू नीड टू हैव अ कैन डू एटीट्यूड, ठीक है जी, कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपको ना किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको जो है कोई वीडियो देख के मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटर होने चाहिए यार, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और समझिए कि बच्चों आप ये चीज़ कर सकते हो। यस आई कैन डू इट। पाकिस्तान जिंदाबाद।